नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पी और इस बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत आज श्रीनगर के बुघानी गांव जाएंगे और यहां पर वो हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी बुघानी गांव जाएंगी, जहां वो अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि आज रीता बहुगुणा जोशी की प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ भी मुलाकात होगी, जिसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ ही कई मुद्दों पर भी बात होगी। हमारे साथ में यूपी के कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी हैं और कई मामले हैं जो उत्तराखंड से यूपी के साथ में लगे हुए हैं, खासतौर से परिसंपत्तियों का मामला है। इस दिशा में क्या प्रयास रहेगा आपकी तरफ से? दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच भेंट हुई थी और हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उत्तराखंड की संपत्तियाँ हैं उनको हम नहीं रखना चाहते और जो क्षेत्र उत्तराखंड में गया है उसको बहुत जल्दी उसका निस्तारण करने के लिए आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई तनाव की स्थिति है और आखिर है तो दोनों प्रदेश भारत में ही और दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्दी निस्तारण हो जाए। तो बुघानी गांव यूपी के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा का पैतृक गांव है। आज उनकी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री एक संग्रहालय का वहां पर उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता श्रीनगर गढ़वाल से, मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, श्रीनगर के बुघानी गांव आज सीएम पहुंच रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो हेमवती नंदन का पैतृक गांव है, उनकी जयंती का कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ साथ खास बात यह भी है कि इस कार्यक्रम के साथ साथ मेल मुलाकात भी होगी। रीता बहुगुणा जोशी के साथ उनकी मुलाकात है और इस मुलाकात के अपने मायने देखे जा रहे हैं, परिसंपत्ति को लेकर जो तमाम बातें हैं कहा जा रहा है, इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें, मैं तक वैसे अभी आवाज लगता है नहीं जा पा रही है, तो बुघानी गांव आज सीएम जा रहे हैं और यहां पर दरअसल एक कार्यक्रम है, हेमवती नंदन बहुगुणा का जयंती कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीता बहुगुणा जोशी भी यहां पर हैं मौजूद। और इस कार्यक्रम के साथ साथ दोनों की मुलाकात के भी अपने मायने देखे जा रहे हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बातें होती हैं उस पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। तो आज हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर बुघानी गांव में जश्न का माहौल है। यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र रावत, रीता जोशी, विजय बहुगुणा समेत कई नेता कार्यक्रम में इसमें शिरकत करेंगे। और हिमालय पुत्र के इस गांव से आप देखिए हमारे संवाददाता मयंक राय की रिपोर्ट। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 98वीं जयंती को लेकर उनके गांव बुघाड़ी में लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज उनकी 98वीं जयंती मनाई जा रही है। आज दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे और वो यहां पे जो जयंती का कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल होंगे। साथ ही एक संग्रहालय बनाया गया है जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जो जीवन काल रहा है उससे जुड़ी तमाम जानकारियां उस संग्रहालय में इकट्ठा की गई हैं, एकत्रित की गई हैं। और ये आज के बाद से, आज के दिन से वो संग्रहालय आम जनता के लिए भी खुल जाएगा, जिससे लोग हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में और विस्तृत जानकारी ले सकें। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ में मयंक राय, इंडिया 24/7, बुघाड़ी गांव, पौड़ी गढ़वाल। तो ये बुघानी गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिस तरह से एक संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे सीएम आज। और चलिए सीधा अपने संवाददाता मयंक का ही रुख कर लेते हैं। मयंक, आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे हम, और एक तरह से देखा जाए तो आज का श्रीनगर में बुघानी गांव का सीएम का दौरा कार्यक्रम का तो वो इसमें शामिल होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके मायने भी अलग हैं क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी के साथ उनकी मुलाकात भी है। और इस मुलाकात के साथ साथ देखा जा रहा है एक तरह से एक मंच बनेगा जहां परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हमेशा बातें उठती रही हैं उस पर चर्चा हो सकती है, साथ ही कुछ और अहम मुद्दे हैं जिन पर माना जाए इस मुलाकात के साथ कुछ चर्चा हो सकती है।
शिल्पी देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें आज के खास दिन की, आज 98वीं जयंती है हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो आ ही रहे हैं, उनके साथ में जो विजय बहुगुणा की बहन है और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर है रीता बहुगुणा जोशी, वो भी आ रही है। इसके साथ सतपाल महाराज और भाजपा के जो और नेता हैं उनके यहाँ आने की संभावना जताई जा रही है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ से हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी की प्रतिमा लगी है, जिसपे सबसे पहले माल्यार्पण किया जाएगा। माल्यार्पण के बाद यहाँ से सीएम और विजय बहुगुणा जी अपने अन्य साथियों के साथ जो है वो गाँव की तरफ जाएंगे, गाँव में जहाँ पे म्यूजियम बनाया गया, और इसी म्यूजियम में जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी से जुड़ी तमाम जो उनके जीवन की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में आज पहले तो मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, साथ में उसमें तमाम तरह की जानकारियां दी गई है बहुगुणा जी के बारे में, हेमवती नंदन जी के बारे में, जिन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता है, कि उन्होंने कैसे पहाड़ से निकल के जो पहाड़ के जनता की आवाज़ थी उसको उन्होंने पूरे देश में उठाया, साथ में जो पहाड़ के विकास की बात थी, विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है पहाड़ के लिए, तो वो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलते हुए जो अपनी आवाज़ थी, पहाड़ की मांग थी, उसको बुलंद किया, उन तमाम सारी चीज़ें जो हैं इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। तो आज से ये म्यूज़ियम जो है आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जहाँ तमाम तरह की जानकारियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी आज काफ़ी एक बड़ा अवसर है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ये गाँव है, यहाँ से थोड़ा सा विजुअल दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि एक मोड़ के बाद सीन बिल्कुल से गायब हो जाता है, तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं कि हम आपको वो दृश्य दिखा नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी, लेकिन ये है कि जब यहाँ पे मुख्यमंत्री के आने का जो कार्यक्रम है उसको लेके तमाम यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट की बात करें या फिर SSP का है, तमाम अमला, सरकारी अमला यहाँ मौजूद है, बिल्कुल तैयारियां चाक चौबंद है। और बुगानी गाँव की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और तमाम दिग्गज यहाँ पर आज मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट आपसे आगे लेंगे।